चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे रोजगार हो, चाहे वो अंग हो अपंग हो, चाहे सही सलाम हो। और दोस्तों, इस सिस्टम के माध्यम से हम जो हमने बचपन के सपने लिए थे उसी को आज मैं पूरा कर रहा हूँ। दोस्तों, सभी चाहते हैं नाम, चाहते हैं ना सर, मेरा नाम है। सबके पास, सबके चाहते हैं पैसा, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाए, अच्छा घर हो, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो। सब इसलिए काम करते हैं, पेयोग के लिए घर से हो बोलते हैं, लेकिन वो क्या पेयोग और कहीं काम में मिल सकता है? जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी का एक ही फंडा, भूखा मरने नहीं दूंगी, ऐश करने नहीं दूंगी। ये कोई और नौकरी वाला है तो मुझे बता दे कि क्या इसमें अमीर हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि जब 60 साल के हो जाते हैं, अभी तो 58 ही रह गए, 58 साल के बाद रिटायरमेंट आती है, उससे पहले पहले कईयों ने फंड निकलवा भी लेते हैं, नाम ही निकाले तो 20 से 25 लाख मिलता है, या तो अपने बच्चों की शादी में लगा दे या घर में लगा दे, किसी एक चीज पर लगेगा, उसके बाद पेंशन पर लगेगा। जब आप 80,000 या 1 लाख की तनख्वाह लेते हैं तो उसका आधा हिस्सा हमें पेंशन में मिलता है, जबकि हमारा खर्चा लाख होता है, मिलता 50,000 की राशि होती है, नहीं होता। और उसके बाद जब हम जीवन में अपनी जीवनलीला समाप्त कर जाते हैं तो अपनी वाइफ को मिलता है 25,000, क्या खर्चा उनका कम हो जाता है, बढ़ता ही जाता है, लेकिन 25,000 में कुछ नहीं होता। इसीलिए ये लिखा गया है कि भूखा मरने नहीं दूंगी, ऐश करने नहीं, भूखा तो नहीं मरता, 25,000 से आराम से खाना खा सकता है, लेकिन सपने पूरे नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये JMD सिस्टम मेरे जीवन में आज से 11 साल पहले आया, मेरे भी बहुत सारे सपने थे, मैं भी आपके तरह से धार ही नहीं था, और मेरे को कोई करवाने भी नहीं आया था, मेरे को तो रोड पर मिला था, जिसमें मैंने एक्सेप्ट किया क्योंकि मेरे पास सपने थे, मैं ढूंढता था कुछ ना कुछ ऐसा। और 1987 में हायर सेकेंडरी करके खाली हो गए थे, वहाँ ही मेरे स्कूल का इतना करेक्टर था कि मुझे वहाँ एक नौकरी मिलती थी लेबोरेटरी असिस्टेंट की, उसकी मात्र तनख्वाह थी 900 रुपये, जहाँ मेरे मंत्री गाँव के थे, हमें नौकरी दिलाना चाहते, मैं नौकरी करना नहीं चाहता था, मैंने छोड़ दिया, मैं कह नहीं नौकरी में सपने पूरे करूँगे। बचपन से ही सोच पर पिता परमात्मा ने ऐसी बनाई है, कुछ अपने लिए कुछ लोगों के लिए अच्छा करना है। तो दोस्तों, चलते चलते कई बार इतने बिजनेस शुरू किए, इतने बिजनेस शुरू किए, किसी से सफल नहीं हुए, और चलते चलते सौभाग्य क्षमा मेरे जिंदगी में 2012 में आया, इस सिस्टम की जानकारी हुई, सिस्टम मिला, उस दिन से पीछा मुड़कर देखा नहीं, आज तक आपके सामने। इस 11 साल के सफर में मैंने वो कुछ पाया है, वो पाया मेरी जो सोच के ऊपर है, कोई बाहर भी सोच नहीं सकता। देख के आए संजय सर, इसी गांव में मेरा घर अच्छा बन रहा है, जिसका 60 लाख रुपया लगेगा, और ये आदमी जो आपके सामने बोल रहा है, जहाँ गाड़ी लेने की एकात नहीं थी, वो खुद ले लेते, गाड़ी लेने की एकात नहीं थी, इस सिस्टम में आकर मेरे पास लगी थी गाड़ी भी, आज व्हील चेयर भी सबसे महंगी है 60,000 की है, किसी का सहयोग नहीं रहता। और मेरा माहौल अजीब जी देख के आए सारे सपोर्ट जी, विनोद जी, सब साथियों का धन्यवाद जो आगरा में 4 दिन अच्छे रहे, 5 स्टार 2 दिन। और सबसे ज़्यादा आज कितनी भी उम्र हो, कोई 5 स्टार होटल में गया नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ खर्चा ही इतना ज़्यादा है, 1 दिन का 20-30 हज़ार पहुँच जाएगा, आपका तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। सो इस सिस्टम की देन है दोस्त, आज मेरे पास जितने सपने से आधे से ऊपर मैं पूरा कर पाता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने मेरे लिए ओम सर जैसे व्यक्ति को धरती पर लाए और मेरे लिए उनको जन्म दिया, जिनके माध्यम से हम, जिनकी देख रेख के, जिनकी गाइडलाइन के मुताबिक हम काम करते हैं और सक्सेस पाते हैं। मेरी ग्रेट अपलाइन
ग्रेट बिजनेस कोच, ग्रेट गुरु क्रिश प्रेस्टी मेरे साथ आ जाए, उनके लिए जोरदार ताड़ियां बोल सकता हूँ जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ कर, ऐसा नहीं मैं चलता फिरता थी, सिर्फ 2 साल से बैठा हूँ, पहले मैं चलता ही था, लेकिन आज मुझे याद आ रहा है कि आज हम बैठ गए और कहीं काम करते क्या इतना पैसा मिल जाता, कभी नहीं मिलता, भूखे मर जाते, कोई बहन भाई नहीं सोचता कि देता है, आजकल के जो बहन भाई है सब ऐसे चाहते हैं कि भूखा मरे, मांग कर खाए, कोई कहेगा नहीं ये काम जाऊंगे, कहीं भी मेरे भी साथ ऐसे, मेरे 5 भाई है, कोई नेटवर्क में मेरे साथ नहीं है, वो सोचते शायद हम इनके साथ होंगे तो ना होंगे तो ये काम नहीं कर पाएगा, लेकिन उस पर पिता परमात्मा का धन्यवाद, मेरे को सिस्टम ऐसा मिला तो अकेले चलने का मुझे दम था, मेरे पे दम था, और आज मैं अकेले ही अपने बलबूते पर इसी पर पहुँचा हूँ, और मेरी ग्रोथ लाइन जो मेरी डाउन लाइन, जिसको मैं डाउन लाइन नहीं बोलता, मैं ग्रोथ लाइन बोलता, जो ग्रोथ करती जा रही है, डाउन तो डाउन ही होती है, ग्रोथ लाइन सबसे ज़्यादा काम अच्छा कर रही है, मैं अपनी गेम चेंज नहीं करता, मैं अपने अहदे को अपनी इनकुनू नहीं बढ़ाता, जाओ जाके देख लो हर किसी के घर 51,000, 31,000, 75,000 आता है अपनी, मेरे अकेले पर नहीं आता, आज मैं जरूर 15 लाख रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन नीचे जो मेरी ग्रोथ लाइन है उनके पास कितना दे, अगले 3 महीने में गोवा का टूर की तैयारी है और बहुत सारी हल कर चुके हैं, गोवा टूर जाने का कौन कौन जाना चाहता है, गोवा टूर जाना चाहता है फ्री में, बाई ट्रेन, बाई ट्रेन ही बाई ट्रेन बाई एयर जाना चाहते हैं, मैं केवल एक काम कर रहा हूँ, 25 लोगों को ढूंढना है, 25 लोगों को इस बिजनेस को शुरुआत कर दे, आपका जो गोवा टूर भी पक्का, बाई प्लेन या बाई प्लेन जाएंगे, बाई प्लेन आएंगे और साथ में फिर तैयार हो पाएंगे, बिना काम करने से, बिना पैसा लगाए काम करना तो मेहनत को करना जरूरी है, सर्जे सर के साथ चलो, अपनी लिस्ट को गाएं, अपने आदमियों को बनाएं, आपका पैसा नहीं लगेगा लेकिन बहुत कुछ मान सम्मान, बिना पैसे के काम करना तो आसान नहीं है, होता है कि काम ऐसा भी क्यों सदा जी बिना पैसे के काम होता है, सब लोग सोचते हैं हमें स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, नौकर बन के ही शिक्षा तो नौकर बन, चाहे BA कर, MA कर, MBA कर, जो भी कर, लेकिन नौकर बन, कोई मालिक की नहीं देगा, जो 90% स्कूल में समय पढ़ाया जाता है वो हमारे जिंदगी में किसी काम नहीं आता, जो किसी का आता हो तो बताओ, जो 10% पढ़ाया नहीं जाता वो हमारी जिंदगी में काम आता है, तो दोस्त आज धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का जो इस सेमिनार में आए हैं, समय निकाला है अपने 2-4 घंटे पर, लेकिन ये 2-4 घंटे अपनी जिंदगी के अपने परिवार को बदलने का समय है दोस्त, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता लेकिन एक एक करके सब लोग इकट्ठे हो जाते सब कुछ हो जाते, और दोस्तों 11 साल से आजकल मैं पहले 8 साल से केवल पहला 1 लाख चेक लेने का आसान नहीं है, बहुत बड़ा कठिन है, लेकिन 10 लाख कमाने बहुत आसान, नकलों में कुछ लोग गए होंगे, उस टाइम मेरा 1,13,000 का चेक था 22 जुलाई 2022 को, 1 साल हुआ, 1 साल के अंदर अंदर मैं 15 लाख से ऊपर इनकम ले रहा हूँ, क्या काम है, कौन सा काम ऐसा है कि आप बैठे बैठाए 15 लाख कमाए, कोई काम नहीं, 1.5 करोड़ लगा के भी आप 15 लाख नहीं कमा सकते, कितनी टेंशन, कहाँ करोड़ों कितने बंदे सब प्रोवाइड करना पड़ता है, आज मैं उठा दू, आज मेरे को इसी कमरे में बंद कर दो, खाना जरूर दे देना, 1 महीने बाद जाकर देख लेना 15 से ऊपर ये मानना है, वादा है कहीं भी आओ मेरे साथ, लेकिन मेरा चेक कम नहीं हो, लेकिन गोवा में देखेंगे ना, गोवा में जरूर जाए और गोवा देखेंगे ना 15 से 30 लाख बना हो क्या, और जो भी जुलाई के एंड तक जुलाई बोल दी है, चलो 24 जुलाई साल बाद 1 करोड़ का आ जाए तो फिर थोड़ा
अजीब जा लगता है, क्यों? मैं भी आपकी तरह एक बिजनेस बिजनेस मीटिंग में आता था और सपने दिखाए जाते हैं, जहाजों में घूमेंगे, बड़ा पैसा है, वहाँ फाइव स्टार होटल में रहेंगे, कैसे रहेंगे? क्या क्या बोलते हैं लोग आज में, आपको भी जो नया है लगेगा, लेकिन आज घूम रहे हैं तो बता रहे हैं आज वही फाइव स्टार ऐसा लगता है जैसे रेस्टोरेंट, तो पैसा कोई लगता ही नहीं है, खाना पीना फ्री है, 2500 से ब्रेकफास्ट शुरू होता है, 2500 का डिनर भी होता है, 2500 का डिनर होता है, कौन आदमी की भाई यार करो खाएगा लेना तो 10,000, खाली एक चाय का कप पीना हो जाए, आपने मीनू देखा है? देखा जी, इतने का चाय का पकवान 275 रुपए का, तो पी सकता है, 150 रुपए फुलका है, रोटी 150, एक राइस प्लेट 850 की, मुझे याद है चाय में फ्री में खाया हूँ पर याद है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप चाहे लाखों महीना कमा लें, चाहे करोड़ों रुपए लगा लें, लेकिन फाइव स्टार की कोई सोचता ही नहीं, एक दिन भी फैमिली के साथ रहेंगे ना सर तो कम से कम 50,000, और 4 दिन रहेंगे 2 लाख लगा के घर आ जाएंगे, नहीं यार क्या उनकी चाय भी स्वाद नहीं अच्छी नहीं लगेगी आपको, तो आपके घर की चाय उनसे अच्छी है, लेकिन उससे सब जो GST डाला जाता है, सभी जो बिल होते हैं उसमें डाले जाते हैं, 200 रुपये तक, चाय पत्ती वही है, दूध वही है, पानी वही है, 200 रुपये तक कौन सा उसमें लग गया, जो सभी लोग आपको वेलकम।